प्रखंड प्रमुख की कुर्सी को लेकर खेमाबंदी में चली गई पंचायत समिति सदस्य की जान। नेपाल के होटल में ठहरा था पंचायत समिति सदस्य, वहां से आई लाश। मामला मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड का है, जहां इन दिनों हरलाखी प्रखंड में प्रमुख पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा से राजनीतिक माहौल गर्म है। ऐसे में पंचायत समिति सदस्यों को अपने अपने खेमे में बनाए रखने के लिए प्रमुख पद की राजनीति करने वाले तमाम दावेदार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में हरलाखी के पिपरौन गांव क्षेत्र संख्या 8 के पंचायत समिति सदस्य पंचलाल महतो का संदेहास्पद मौत होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एक खेमे के तरफ से हरलाखी प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य पंचलाल महतो सहित अन्य कई पंचायत समितियों को लेकर करीब 3-4 दिन पहले नेपाल के किसी होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई थी, ताकि दूसरे पक्ष के संभावित प्रमुख उम्मीदवार के संपर्क से वे सभी बाहर रहें। लेकिन यह हथकंडा खेमेबाजी करने वालों के लिए भारी पड़ गई। पंचलाल महतो के परिजनों ने बताया कि गोपाल दास व शिवचंद्र मिश्रा सहित अन्य पंचायत समिति सदस्यों के साथ पंचलाल महतो भी नेपाल गया था, लेकिन कुछ समय बाद से ही परिजनों का पंचलाल से संपर्क टूट गया। इस बीच परिजन लगातार गोपाल दास व शिवचंद्र मिश्रा के नंबर पर भी मैसेज कॉल करते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिलता। परसों रात करीब 9:20 पर शिवचंद्र मिश्रा ने पंचलाल के परिजनों को बताया कि आधे घंटे में बात करवा देते हैं, लेकिन बात नहीं करवाई गई। जिसके बाद आज दोपहर करीब 12 पंचलाल के परिजन को कॉल किया गया कि पंचलाल का निधन हो गया है, हम लोग उसके शव को लेकर मधुबनी के एक निजी अस्पताल में हैं। जिसके बाद यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे हरलाखी क्षेत्र में फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। परिजन इस पूरे घटनाक्रम पर अब सवाल उठा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अगर पंचलाल महतो नेपाल में बीमार पड़ा व उसकी मौत मधुबनी में इलाज के दौरान हुई, तो नेपाल से जिस एम्बुलेंस से पंचलाल को जिस रास्ते से मधुबनी ले जाया गया, उस रास्ते में ही पंचलाल महतो का घर भी है। आखिरकार इतना नजदीक घर होने के बावजूद किन कारणों से परिजनों को जानकारी नहीं दी गई। परिजन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नेपाल में ही पंचलाल की मृत्यु हो गई थी, इसे दूसरा रंग रूप देने के लिए एम्बुलेंस में शव को लादकर उसके घर नहीं ले जाकर मधुबनी ले जाया गया। इधर पंचलाल महतो की मौत कैसे व किन कारणों से हुई, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के बाद कारणों का खुलासा हो पाएगा। इधर पंचायत समिति सदस्य की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस घटना की सच्चाई का पड़ताल कर रही है। वहीं प्रमुख पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हरलाखी में गरमाई सियासत के बीच हरलाखी के पंचायत समिति सदस्य की मौत कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रही है। हर चौक चौराहे पर लोग इसी घटना की चर्चा कर रहे हैं। सुनी छी नेपाल गेल छलैए, इसके बारे में बताइएगा। घटना आप देखिए, नेपाल गया था 5-7 आदमी में। अच्छा, कब गया? 4-5 दिन हो गया। अच्छा, अब उसको क्या है नेपाल में नहीं है वो तो भगवान जानता है। नेपाल में हो गया, उसको लेकर के मधुबनी गया, नहीं हुआ अभी कंप्लीट। वो तो प्रमुख के लिए गया था, अब क्या हुआ नहीं हुआ वो हम लोग नहीं जान। अच्छा, आप उनका कौन हुए? पंचायत समिति का आप कौन हुए? हम नहीं हुआ, हम तो यहाँ के जनता है। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा मनोज यादव है। कितना दिन से नहीं थे घर पर? यहाँ से 5-6 दिन से घर पर नहीं है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहाँ कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहाँ से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहाँ मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।